अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.9 स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था। आज इंशाल्लाह ताला हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि आप किसी एक वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में पुट करके उस मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। ये मेथड अभी हम करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि आपने इसके छोटी क्लासेस में भी किया हो। तो इसका पहला पार्ट आपके स्क्रीन से मैं शेयर करवाने जा रहा हूँ, देखिए जरा। एक्सरसाइज 6.9, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2, इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या है। वह है आपके पास 2x+2y और इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। दूसरा है आपके पास x-2y, दूसरी इक्वेशन x-2y इज इक्वल टू 3, क्लियर हो गया। तो अब आपने करना क्या है कि इससे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, जैसे हमने पहले किया था। इस इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसा है कि जरा गौर से देखिए, इन दोनों में से आपको जो सबसे इजी इक्वेशन कौन सी लग रही होगी। ये 2x है, ये 2y है, इधर x-2y, ये तकरीबन सिंपल सी लग रही है, जिसमें x आपके पास अकेला है, कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आइए हम इसको पकड़ते हैं। तो इधर से आप x को ऐसे रखें, ठीक है, -2y को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3, -2y वहां पर जाके क्या हो जाएगा +2y, ऐसे करके, ठीक है। आपने किसी तरीके से एक वेरिएबल को अकेला कर देना है, चाहे आप x को कर दो, y को कर दो, ठीक है। अगर ये 2x के साथ होता तो हम y को अकेला कर देते, तो जरा इजी रह जाना था। तो इसे हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 3। इस x इज इक्वल टू 3+2y को इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो आइए यहां पे लिख देते हैं, ये पुट x इज इक्वल टू 3+2y इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये वाला 2 आपके पास क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। ये वाला x इसकी जगह उसकी वैल्यू लिखी जाएगी ब्रैकेट में 3+2y, ये प्लस वैसे ही आ जाएगा, ये 2y ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 आपके पास, वो भी एज इट इज आ गया। सिर्फ क्या किया कि दूसरी वाली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू सेपरेट किया उसको, और उसको मैंने पहले वाली इक्वेशन के अंदर x की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो